ये देख सकते हैं आप, अभी हमें चलते हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ, राहुल की हालत हो चुकी है बुरी। सेम नागराज का जो मेन एंट्रेंस है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान नजर आ रहे होंगे आपको, और वो नाग के ऊपर नाचते हुए। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं भगवान के दर्शन। सेम उखेम से ऊपर हम एक और जगह जा रहे हैं, वहां पर एक पत्थर है जो कि इस उंगली से तो हिलता है, छोटी वाली से, लेकिन हाथ से हिलाओगे तो नहीं हिलेगा। तो अभी तक तो हमने सुना ही है, ये आज जाके देखेंगे भी। सेमा को डांडू वांडू देखा फांडू, सामने सामने हिमालय को कांटू, इन्हीं जगह भगवान तुम लेंदा अवतार। राधा रुकमणि कृष्ण मिलिया रंदा, नैर थो नैर का पेड़ खिलिया रंदा, इन्हीं जगह भगवान तुम लेंदा अवतार। मॉर्निंग गाइज, सो हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब हमें जाना है सेमु खेम। ये है अभी बुआ के गांव का नजारा, पीछे देख सकते हैं धूप, खिली खिली धूप आ रखी है यहाँ। देखिए अंदर भी सब तैयार हो रहे हैं, मम्मी पापा लोग सब नहा के तैयार है। दिव्या कर रही है ताई जी का मेकअप, ये देखिए आज ताई जी को जवान बना देगी दिव्या। ताऊ जी का क्यों ना बोलती है इतना थाई मेरी। ताई जी को डर लग रहा है कहीं मेरे को छोड़ के ना आ जाएगी। ताऊ जी बोले मैं तो बेकार से लाया था, सुंदर किसकी है। और ये अब मस्कारा लगाए जा रहे हैं। गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम सब हो गए हैं तैयार अब, और मैंने और दिव्या ने पहने मैचिंग मैचिंग कपड़े। और अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं सेमु खेम में जाना है, वहाँ 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 वो जो लास्ट में दिख रहा है यहाँ हमें जाना है। तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और चढ़ाई तो है 1.5 घंटे की, लेकिन उससे पहले जो रास्ता है गाड़ी का वो है 1 घंटे का, तो वो भी तय करना है। तो जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। और गाइज ये देख सकते हैं, ये है बुआ का पूरा घर, हम थे बिल्कुल टॉप पर जहाँ उनका किचन है उसके इधर। ये देखे बच्चे, हाय बोलो फोन में देख के सारे, ऐसे हाय करो। हाय। कौन सा गांव है ये? गोड़साड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सिक्स क्लास में। ACBD सुनाओ। अरे ACBD सुनानी है, ABCD नहीं। ACBD नहीं आती हमको, नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा ABCD सुनाओ। यू कहाँ गया? बोला तो ना बोला। तो गाइस अब टाइम है, इधर दो बेटा इधर दो, मम्मी के चिल्लाने का। तो गाइस अब वक्त है हमारे ऊपर से मुखिम जाने का, बस ताई जी और बुआ जी का वेट कर रहे, बाकी सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। 8 जने हम जा रहे हैं ऊपर, वहीं पहुंच के आपको भी करवाते हैं से मुखिम के दर्शन। बस पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर गाड़ी इसलिए रुकी है क्योंकि जो पैसेंजर है वाले वो जरा दिव्या देखो फंस चुकी है बेचारी दो जनानियों के बीच में। ये देखो लोग आंख बंद करते हैं, मुंह फेरते, दिव्या ने कान भी बंद कर रखे हैं कि आवाज भी ना जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ सेमु खेम, और यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी अब, और जो चढ़ाई है वो है 1.5 किलोमीटर की। तो सभी लोग अपना सामान ले रहे हैं, और अभी हम लोगों ने प्रसाद भी लेना है। और पीछे व्यू देखो आप, कितना बढ़िया व्यू है, और मंदिर वहाँ है बिल्कुल ऊपर, वो आपको एक खाली खाली सी जगह, ये देखो ये मंदिर है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से जो है वो चढ़ाई शुरू होगी, और आपको दुकानें भी दिख रही होगी यहाँ, प्रसाद की दुकानें, यहाँ घोड़े वाले भी है। जो लोग पैदल चल के नहीं जा सकते वो इन घोड़ों को किराए पे करके जा सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया है प्रसाद, और कितने का पड़ा आपको ये प्रसाद? 100 रुपये में सब कुछ। तो ये रहा चढ़ाई का द्वार, यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। तो जय सेम नागराज। ये देख सकते हैं आप, अभी हमें चलते हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ, राहुल की हालत हो चुकी है बुरी, और बाकी लोग ये आ रहे हैं पीछे से, ताऊ जी, ताई जी, माँ, बुआ जी, मामा जी और पापा आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा थक गए यहाँ पे राहुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ, तो आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है देख लो। मैं तो सोच रहा हूँ 1.5 घंटा कैसे चल रहा है। गाइस यहाँ हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और ये आपको जो पीछे दिख रहा है
ये भैरव देवता का मंदिर छोटा सा, यहाँ पर सब मन्नत मांगते, और ये ऐसी ऐसी छतरियाँ बनाई हुई है ताकि जो लोग थक सके दिव्या जैसे वो रेस्ट कर सके। यहाँ दिव्या कर ले, मुझे जरूरत नहीं है रेस्ट की। कर ले भाई, क्यों? ये देखिए घोड़े आते हुए, 500 रुपए लेते हैं ये। तो यहाँ देख सकते हैं आप पूरी हिमालयन रेंज यहाँ दिख रही है, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, और अच्छा व्यू आएगा टॉप से जब हम मंदिर पहुँच जाएंगे। और ये दूसरे छतरी पे पहुंच गए हैं, दिव्या थक गई थी इसलिए बैठना पड़ा इसको, और क्या दिव्या कमेंट करके बताओ गाइस क्या लग रहा है आपको, कौन थक रहा होगा, दिव्या थक रही होगी चढ़ाई पे या मैं, अभी कमेंट्स में पता चल जाएगा बेटा तुझे। हाँ देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, और यहाँ से शुरू हो रही है मंदिर की सीढ़ियाँ। तो हम दोनों तो पहुँच चुके हैं ऊपर, बाकी लोग अभी काफ़ी पीछे, उन्हें टाइम लगेगा, तो हमने सोचा हम जल्दी से पहुँच के और ऊपर का शूट कर लेंगे जब तक सब आएंगे। और ये देखिए व्यू तो यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ काफ़ी पेड़ है और थोड़ी थोड़ी हमारी सांस भी फूल गई है। हमारे पहुँचने के 20 मिनट बाद पापा और मामा जी पहुँचे हैं, बाकी लोग अभी भी नीचे ही हैं। जिस स्पीड में मम्मी और ताई जी लोग चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि उनको अभी और 20 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में। और मैं राहुल को जल्दी जल्दी खींच के ले आई, अगर मैं राहुल को उनके भरोसे छोड़ देती तो वो भी अभी पहुँचते एक आध घंटे। कुछ भी बोलते, मुँह का क्या है, अपने मुँह का बोलते रहो कुछ भी, लेकिन ये तो पता होना चाहिए, बाकी लोग समझदार है, उनको सब पता है कि कौन किसको खींच के लाया, वो भी यहाँ, इसलिए मैंने बोला ऊपर मंदिर से, कह रही नहीं नहीं ऊपर नहीं, पहले सबको आने दो बैठे रहते हैं। मैंने कहा चल यार ठीक है बैठ जा तू। मम्मी लोग भी आ चुके हैं, अब नीचे दिख रहे हैं मुझे, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो हम लोग चलते हैं ऊपर और करते हैं मंदिर के दर्शन, और आपको भी करवाते हैं सेम नागराज के दर्शन। तो अब पहुँची है मम्मी बुआ और ताई जी, कैसे हालत खराब मम्मी? नहीं ठीक है। ठीक है, उन्होंने बुलाया तो शक्ति भी वही देंगे, पहुंचा दिया उन्होंने, बस थोड़ी लेट पहुंचे तुमसे, पहुंचा दिया। बस ये देखिए सेम नागराज का जो मेन एंट्रेंस है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान नजर आ रहे होंगे आपको, और वो नाग के ऊपर नाचते हुए, और ये शीश नाग, तो कितना प्यारा व्यू है ये। आप में से कौन कौन यहाँ आए हैं जरूर कमेंट करके बताएं। जय नागराज देव, जय श्री कृष्ण भगवान, जय नागराज। सो गाइस ये देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, ये है सेम नागराज का मंदिर। तो दिव्या फर्स्ट टाइम आए ना, लेकिन दिव्या ने सुना बहुत हुआ था इस मंदिर के बारे में, तो जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं भगवान के दर्शन। जैसे गाइस हम अंदर मंदिर में आपको दर्शन तो ज्यादा नहीं करवा पाए, क्यों? क्योंकि अंदर वीडियो और फोटोज बिल्कुल मना था, मैं बना रहा था लेकिन उन्होंने बोला सर मत बनाओ, मैंने नहीं बनाया। और बता दें कि सेम नागराज में बेसिकली एक शिला है, एक पत्थर है जिसको पूजा जाता है, वो ही मेन है जिसको लोग यहाँ पे देखने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। ये है पीछे गंगू रमोला जी, जिन्होंने यहाँ श्री कृष्ण भगवान को जगह दी थी, है ना मम्मी? और फिर शिला के रूप में उन्होंने जो है सर्प के रूप में उनको दर्शन दिया है, नाग के रूप में दर्शन दिया है। तो तब गंगू रमोला जी ने यहाँ उनको जगह दी थी, तभी गंगू रमोला जी की मूर्ति भी है यहाँ, और अंदर सेम नागराज का मंदिर भी है। हमने सुबह से नाश्ता नहीं करा क्योंकि हम लोगों ने सोचा था पहले सेम नागराज के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी कैंटीन है मंदिर के ऊपर ही, यहाँ पे हमने चाय बनवा ली है, और साथ ही साथ घर से बुआ बना के लेके आई थी क्या मम्मी? स्वाले भरे हुए स्वाले, तो आलू भरी हुई रोटी होती है, मतलब पूरी होती है भरी हुई, तो आलू की फिलिंग है इसके अंदर, आप आलू के पराठे टाइप भी कह सकते हो, लेकिन ये तले जाते हैं। और साथ ही साथ इसके आंवले का अचार भी लेके आए हैं जो घर पे ही बनाया है मामा जी और बुआ जी ने, ये देखिए
तो यहाँ सब आनंद लेते हुए देख सकते हैं। यहाँ के खाने से पहले थोड़ा सा आगे पीछे गिर देते हैं ताकि भगवान को, अच्छा अच्छा भगवान को चढ़ा रहे हैं अपने खाने से पहले। तो हमने चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा सा सवाला गिर दिए है। और ये देखो आंवले का अचार, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन दिव्या का फेवरेट अचार है। सेम उखेम से ऊपर हम एक और जगह जा रहे हैं। वहाँ पर एक पत्थर है जो कि इस उंगली से तो हिलता है, छोटी वाली से, लेकिन हाथ से हिलाओगे तो नहीं हिलेगा। तो अभी तक तो हमने सुना ही है ये, आज जाके देखेंगे भी, आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। और यहाँ से 1 किलोमीटर और चढ़ाई है ऊपर, बहुत थकने वाले हैं आज हम। मतलब बताया जाता है कि इस रास्ते पे अगर आप चल रहे हो तो कुछ तोड़ो मत पेड़ से, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि अगर तुमने कुछ तोड़ दिया तो भूल भुलैया टाइप भूल जाओगे आप रास्ता। तो ताई जी कह रही थी कुछ, हाँ जाते वक्त, मतलब जब मंदिर से आगे जा रहे हो तब मत तोड़ो। अब जब इसके दर्शन कर लेंगे वापसी में हम कुछ भी तोड़ सकते हैं। जैसे बीच में हमें बुरास के फूल दिखे थे तो दिव्या कह रही थी कि फूल तोड़ती हूँ, तब ताई जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं अभी मत तोड़ो, ऐसे ऐसे होता है यहाँ पर। ये देखिए तो ताऊ जी अभी धूप जला रहे हैं वहाँ, और हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर। ये देखिए नीचे खाई, और ये बुरास के फूल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस ये जो पत्थर दिख रहा है आपको बड़ा सा जिसपे धूप जलाई जा रही है, ये सिर्फ एक उंगली से हिलता है, अगर हाथ से धक्का दोगे तो नहीं हिलेगा। हिल रहे। ये देखो गाइस, अगर आपको समझ आ रहा होगा, पर ये देखिए ये ऐसे उंगली से हिल रहा है। गाइस यहाँ भी हम लोग कर चुके हैं दर्शन, और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि आज ही हमें निकलना है टिहरी। अच्छा हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि आज ही हम लोगों को निकलना है टिहरी। और अर्णव बहुत रो रहा है, कह रहा है जल्दी आओ मामा जल्दी आओ मामा, तो उसके पास चलते हैं, मिलवाते हैं आपको वहाँ भी। उससे पहले हमें ओणेश्वर देवता के मंदिर भी जाना है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। मम्मी दो लाइन बोलना चाहेगी सेम भगवान के आए तो। सेम को डांडू वांडू देखा फांडू, सामने सामने हिमालय को कांटो, इनी जगह भगवान तुम लेंदा अवतार। राधा रो गमणी कृष्ण मिल्या रंदा, नैर थो नैर का पेड़ खिल्या रंदा, इनी जगह भगवान तुम लेंदा अवतार। मंदिर का उथाई सिलवाड़ा को पानी, जख मुंग दर्शन करदा राजा रानी, इनी जगह भगवान तुम लेना अवतार। ये गाइस यहाँ मामा जी चढ़ चुके हैं, और मामा का मिशन है मिशन बुरास। मिशन बुरास के चक्कर में मामा जी चढ़ रहे हैं। ये देखिए बुरास तोड़ रहे हैं। पापा के हाथ में जो है काफी मीठा होता है, इसका जूस आप सबने पिया होगा। ये देखिए इसमें अंदर जो आपको रस दिख रहा है उसी से जूस बनता है इसका, और कितना अच्छा फूल दिख रहा है। और मैं दिव्या को देता हूँ ये। दिव्या दिव्या अरे गिफ्ट ले यार। गाइज आप लोग बताओ कि इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या। ये देखो मेरी तरफ से गिफ्ट, और कितनी खुश नजर आ रही है। अब ये जो बुरास के फूल है, ये जो पीछे से ये इसका रस ये खाया जाता है। तब कर दो फूल बीर। पापा को देखो यहाँ मामा जी ये सब तोड़ के। ये देखिए और कितने प्यारे फूल हैं ये। ये देखिए यहाँ पापा मम्मी को बुरांस का फूल देते। गुलाब का फूल दिया था आज, बुरांस का फूल दिया। पापा को लगा आप गुलाब लाया कोनी। और ये लगाओ लास्ट लास्ट चल रहा है इन बुरास के फूलों का, जब ये सोचो लगे होते हैं ना तो पूरे लाल लाल नजर आते हैं पूरे पेड़ों पे, बस ऐसा लगता है लाल पेड़ है। ये देखिए गाइस नीचे जाने का रास्ता, और दिव्य का हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे, हमें पूरे 40 मिनट लगे नीचे पहुंचने में। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे बुआ जी के घर, वहाँ लंच करेंगे, और फिर ओणेश्वर देवता के, और फिर जाएंगे नई टिहरी अर्णव से मिलने, और आपको भी मिलवाते हैं उससे।